राजधानी दिल्ली के वसंत रामलीला कमेटी द्वारा किशनगढ़ के बाबा लटूरिया मंदिर में नवरात्रि में होने वाली रामलीला के लिए भूमि पूजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में गांव के लोग शामिल हुए। भूमि पूजन कार्यक्रम में वसंत कुंज पार्षद जगमोहन महलावत पहुंचे और हवन पूजन कराया। उन्होंने बताया कि नवरात्रि में यहां रामलीला और भव्य मेले का आयोजन किया जाएगा और मेले में खाने पीने की चीजों के साथ बच्चों के मनोरंजन की चीजें भी मिलती हैं। ऐसा है कि हर बार जो आयोजन होते हैं, जैसे इतना बड़ा आयोजन होता है, तो उसमें कुछ ना कुछ सीख लेकर आगे और अच्छा करने का प्रयास रहता है। जैसे पिछली बार भूमि पूजन में करीब जो कमेटी के लोग थे और हमारे कलाकार, वही 10-20 लोगों ने किया था। अब की बार पूरा गांव, इस पूरे क्षेत्र से करीब 15-20 गांवों से लोग आए हैं। माताएं बहनें आई हैं, बड़े बुजुर्ग आए हैं, उनके आशीर्वाद से ये भव्य जो भूमि पूजन हुआ, इसके बाद रामलीला और भव्य मेले का जो आयोजन है उसमें कमेटियां नियुक्त की गई हैं अब की बार, कि चीफ गेस्ट को कौन स्वागत करेगा, मंच पर कौन मंच संचालन करेगा, मेले में आए हुए जो हमारे अतिथि उनको कौन देखेगा, पार्किंग, ऐसे बहुत सारे जो डिपार्टमेंट हैं इसमें करीब 16-17, उनके लिए पहले से ही तैयारी कर दी गई है। और जो हजारों लाखों लोग यहाँ इस प्रांगण में आते हैं उनको सुविधाएँ मिलें, और वास्तव में जो बच्चों के साथ आते हैं भगवान राम के विचारों से वो ओतप्रोत हों और भविष्य में जाके मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री उनके आदर्शों पर आगे चलें, कुछ ज्ञान लेकर यहाँ जाएं, यही भाव कमेटी का होता है। और लगातार इसी भाव के साथ हजारों लाखों लोग, पूरे देश भर में करोड़ों लोग, लाखों लोग रामलीलाओं को देखने के लिए आते हैं। हमारा भी वही प्रयास है कि हम कहीं ना कहीं आने वाले जो भविष्य है, नौजवान साथी हैं, बच्चे हैं, उनको कुछ ना कुछ ऐसा मार्गदर्शन प्रभु श्री राम के माध्यम से मिले जो उनके भविष्य में काम आएगी। रामलीला के साथ साथ और क्या मेले में क्या क्या व्यवस्था रही, खासतौर पर क्योंकि रामलीला के साथ आप लोग उनसे मेले का आयोजन करते हैं? पहले तो मैं रामलीला का बता दूँ, हम पहले दिन भगवान वाल्मीकि जी के चित्र से पूजा कर कर जो वाल्मीकि समाज है उसका सम्मान करते हैं। और जैसे 75 वर्ष हुए हैं तो ऐसे ऐसे 75 जैसे डॉक्टर हैं, नर्स हैं, पूर्व फौजी हैं, आंगनवाड़ी वर्कर बहनें, तो टीचर हैं, ऐसे हमने बहुत सारे आयोजन किए जो प्रत्येक दिन किसी ना किसी एक अलग समाज सेवी संस्थाओं को बुलाकर उनका सम्मान करेंगे। और मेला तो भव्य होता ही है। ये जो मेला है इसमें जैसे पुरानी दिल्ली की चाट, भल्ले, पापड़ी, और यहाँ पर भी जो लोकल जैसे बीकानेर और हल्दीराम, उनके भी स्टॉल लगते हैं और लोग खूब उसका लुत्फ उठाते हैं। जी, नए नए टेक्नोलॉजी से आजकल रामलीला दिखाई जा रही है, क्या उस तरह का नज़ारा यहाँ पे भी दिखेगा? हमारे पास बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं और जो करीब 2 महीने से ज़्यादा का रिहर्सल चल रहा है और पिछले 30 साल से रामलीला करते हैं। टेक्नोलॉजी का मैं स्वागत करता हूँ, पर जिनके पास कलाकार नहीं है वो टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास अपने स्वयं के कार्यकर्ता जिनकी खुद इच्छा रहती है, निस्वार्थ भाव से निशुल्क यहाँ पर रामलीला का मंचन करते हैं और बहुत बेहतरीन और बहुत ही आत्मीयता के साथ वो अपने जो उनका रूप है उसका प्रस्तुत करते हैं। मैं तो ये बोल रही हूँ कि शायद हम बचपन में कभी रामलीला देखी थी, उसके बाद लास्ट ईयर मुझे ये यहाँ पे आने का मौका मिला और इतनी कमाल की रामलीला होती है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, कभी आप इन लोगों का आइए आप और देखिए, किसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत ही बढ़िया मंचन होता है, कलाकार एकदम अपने कैरेक्टर्स में घुसे होते हैं, बिल्कुल आप रियलाइज़ ही नहीं कर पाओगे कि ये आप टीवी पे नहीं देख रहे हैं, आप लाइव देख रहे हैं। एक दिन ना पूरे वसंत कुंज के बच्चों को बुलाना चाहिए, क्योंकि बच्चे घर से नहीं निकलते हैं, स्पेशली यंग जनरेशन, और वो जिनको ये चीज़ें समझ आए, तो एक स्पेशल डे बच्चों के लिए और यंगस्टर्स के लिए होना। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।